मैं किसी का कमबैक कैसे करा दूँ? आप बोल रहे हो रेगा कमबैक करा दूँ, सब लोग अपने अपने कंटेंट में खुश है, सब लोग हैप्पी है, सब लोग को पता है उनको क्या करना अपने लाइफ में। रेगा ने चूज़ किया है टू बिकम अ वेरी गुड कंटेंट क्रिएटर, वो उसमें कर रहा है, वो कंटेंट क्रिएशन में काम कर रहा है। अच्छा है ना भाई, लाइफ में पीस चाहिए, बट हम अपना यार अपना अलग चीज़ है ना, हम तो कंटेंट कब घुस जाते यार। बहुत लोगों ने रिटायरमेंट ले ली, बट आई पर्सनली फील किया आई स्टिल गॉट इट, मेरे को पता है मैं कर सकता हूँ, मेहनत करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं यार, और मेहनत करने की कोई एज नहीं होती है। सो मेरे को ऐसा लगता है, ये सब बोलते हैं वेंचर कि उम्र हो गई है रिटायरमेंट ले लो, यंग ब्लड नहीं है, मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ है यार। आँख सही है, मुंह सही है, कान सही है, हाथ चल रहे हैं, और क्या चाहिए, करते रहेंगे मेहनत, क्या दिक्कत है। अभी मैं आपको बताता हूँ, जब आपकी ये थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स होती है, स्क्रिम्स होती है, इससे आप टीम को जज नहीं कर सकते हो, क्योंकि भाई ऑफिशियल्स में अलग सीन होता है। आप मुझे एक बात बताओ, आप थर्ड पार्टी टूर्नामेंट देखते हो, लोग एकदम चौड़ में फाइट लेते हैं, राइट? ऑफिशियल में वही टीम्स एग्जैक्टली गांड दबा के बैठ जाते घर के अंदर, तो भाई दोनों में मेजर डिफरेंस है यार। गली में क्रिकेट खेलना और जाके एक्चुअल में किसी जगह पे पहन के खेलने में डिफरेंस है, तो यही सेम डिफरेंस पड़ जाता है आपको थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स और ऑफिशियल्स में। थर्ड पार्टी में तो लोग बहन चो एकदम नथिंग टू लूज वाला खेलते हैं, और मेन में गायब हो जाते हैं यार। लोग बैन वैन कैसे हो रहे हैं? आज भी कोई बैन हो ना बंदा, मेरे को समझ नहीं आता यार, कोई सब नए लौंडे बैन कैसे हो जाते हैं यार, वो भी 10-10 साल के। हम तो कभी बैन नहीं हुए बहन चो भाई। कीवोस के छोटे भाई को क्वालिफाई हो गए एनईईटी के लिए, कॉन्गो ब्रदर आपने को डीएम किया, यूज यू शाउट टू यू ब्रदर।